नमस्कार बच्चों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे सीबीएसई हिंदी पैटर्न के कक्षा दसवीं का भूगोल विषय का पाठ क्रमांक 4 और पाठ का नाम है कृषि और पॉइंट नंबर 1 कृषि के प्रकार। तो मैं इस वीडियो में सभी दर्शकों का, विद्यार्थियों का और शिक्षकों का तहे दिल से सहर्ष और हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में यह पाठ हम कुल 4 मुद्दों से पढ़ेंगे। सबसे पहले पाठ का परिचय मतलब प्रस्तावना, इसके बाद पाठ का आशय मतलब स्पष्टीकरण, और उसके बाद पाठ के सवाल जवाब जो रोचक और बिल्कुल केबीसी स्टाइल में होंगे, और आखिर में आपको पाठ से संबंधित कुछ गृहपाठ भी दिया जाएगा। तो अंत तक जुड़े रहिएगा। तो चलिए सीखते हैं सबसे पहले इस पाठ की प्रस्तावना मतलब पाठ का परिचय। भारत में कृषि का क्या महत्व है? भारत में कृषि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। इसका मतलब है कि खेती करना हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है। खेती करने से हमें खाने पीने के लिए अनाज मिलता है, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जैसे कि कपड़े, मकान बनाने की लकड़ी, दवाइयाँ और रोज़मर्रा की ज़रूरतों की चीज़ें भी होती है कि जिसको हमको खेती से ही ये प्राप्त होती है, और देश की अर्थव्यवस्था और लोगों को रोजी रोटी देने में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। कृषि के मुख्य 4 प्रकार है, जिसमें सबसे पहले आती है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, उसके बाद आती है कर्तन दहन प्रणाली कृषि, फिर उसके बाद आती है वाणिज्यिक कृषि, और फिर आखिर में आती है रोपण कृषि। सबसे पहले हम देखेंगे प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि के बारे में। भारत के कुछ क्षेत्रों में लोग अपने घर के ही खाने के लिए ये खेती करते हैं। ये लोग अपनी खेती का इस्तेमाल सिर्फ अपने परिवार को खाना खिलाने के लिए करते हैं। इसके लिए छोटे औजारों का उपयोग करते हैं, जैसे कि दांव या कुल्हाड़ी। इन क्षेत्रों में खेती करने वाले लोग जंगल में या तो पहाड़ी इलाके में रहते हैं। ये लोग बड़ी फसलों की बजाय सब्जियां, फल और अनाज जैसे छोटे छोटे उत्पाद पैदा करते हैं, जिससे वो अपना खुद का ही सिर्फ पेट भर सके और जरूरतों की चीजों को जुटा सके। तो ये पहला प्रकार था प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। इसके बाद दूसरी अहम और मुख्य जो कृषि का प्रकार है वो है कर्तन दहन प्रणाली कृषि। इस प्रकार की खेती में किसान पहले जंगल के पेड़ पौधों को काटते हैं, फिर उसे जमीन पर जला देते हैं। इसके बाद जब जमीन पर पड़ी राख ठंडी हो जाती है तो वहां फिर अलग अलग बीजों को बोते हैं। इस तरह की खेती में थोड़े समय के लिए अनाज उगाया जाता है, क्योंकि कुछ समय बाद जमीन की उपजाऊ ताकत कम होने लगती है। इसके बाद किसान दूसरी जगह जाकर इसी तरीके से खेती करते हैं, और यह तरीका कई कई इलाकों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे उत्तर पूर्वी इलाके में इसे झूम कहा जाता है, मणिपुर में इसे पमलो कहा जाता है, और दक्षिणी राज्यों में इसे दीवा या बीगा के नाम से भी जाना जाता है, और अंग्रेजी में इसे स्लैश और बर्न फार्मिंग भी कहा जाता है। इसके बाद तीसरा और महत्वपूर्ण प्रकार है वाणिज्यिक कृषि मतलब कमर्शियल फार्मिंग। इस प्रकार की खेती में बड़े पैमाने पर फसल उगाई जाती है, जिन्हें बाजार में बेचकर अच्छी कमाई की जा सकती है। यह खेती व्यापार के उद्देश्य से ही की जाती है, जैसे कि कपास, गन्ना, प्याज और कॉफी उगाना। हालांकि इसमें एक जोखिम भी होता है, अगर बाजार में फसलों के दाम गिर जाए तो किसानों को नुकसान हो सकता है। इस कारण वाणिज्यिक खेती करने वालों को उनको बाजार के उतार चढ़ाव का ध्यान या उसका नॉलेज रखना बहुत जरूरी है। और इसमें चौथा प्रकार आता है रोपण कृषि। रोपण कृषि एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती होती है, जिसमें बड़ी बड़ी जमीनों पर एक ही तरह की फसल उगाई जा सकती है, जैसे कि चाय, कॉफी, रबर, नारियल इत्यादि।
इन फसलों को बड़े पैमाने पर बाजार में बेचा जाता है। इस प्रकार की खेती में फसलें बहुत समय बाद तैयार होती है और इनसे किसान को अच्छी आमदनी भी मिल सकती है। कुछ विशेष क्षेत्रों में फसलों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक तरीका अपनाना भी जरूरी होता है। उत्तरी इलाके में या ठंडे इलाकों में जहां तापमान कम होता है, वहां किसान आलू, प्याज, टमाटर जैसी फसलें उगाते हैं, क्योंकि ठंड सहन होती है, उनसे उसकी उत्पादकता भी बढ़ती है और इसीलिए वे वहां अच्छी तरह उग सकती है। इस सब चारों प्रकारों का निष्कर्ष यही है कि भारत में कृषि जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, जो न केवल भोजन और अन्य आवश्यक चीजें प्रदान करती है, बल्कि देश की आर्थिक और सामाजिक संरचना को भी मजबूत करती है। विभिन्न प्रकार की खेती से देश के अलग अलग हिस्सों में किसानों को अपनी जरूरतों के अनुसार खेती करने का अवसर प्रदान होता है। यह जरूरी है कि हम कृषि के आधुनिक तरीकों को अपनाएं, ताकि कृषि क्षेत्र में हमारा देश तरक्की कर सके और देश की खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित हो। तो बच्चों, ये था आज का पाठ कृषि के प्रकार। तो अब हम देखेंगे कुछ सवाल जवाब, बिल्कुल केबीसी स्टाइल में, रोचक और महत्वपूर्ण अंदाज के साथ। तो यह पाठ गौर से देखिएगा, पढ़िएगा और इसके अंदर जो भी सवाल जवाब आपसे पूछे जाएंगे, इसको अपने कॉपी में या नोटबुक में लिखिएगा। तो चलो बच्चों, आते हैं अब हमारे इस वीडियो के आखिरी पड़ाव पर, जिसमें हम आपको इस पाठ से संबंधित गृहपाठ देंगे और साथ में यह भी आशा करता हूं कि यह वीडियो और इस वीडियो में जो भी आपको पाठ सिखाया गया है कृषि और कृषि के प्रकार, यह आपको समझ आया होगा और पसंद भी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।